365 सवाल जिनके जवाब आपको जगाएं। सवाल, अपनी भावनाओं को समझकर तनाव मुक्त जीवन कैसे जिएं? दुखद और नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति कैसे प्राप्त करें? जानें इमोशंस को रिलीज करने का तरीका। हाउ टू लीड अ स्ट्रेस फ्री लाइफ by understanding your emotions, freedom from sad and negative feelings. Learn how to release your emotions. दाग अच्छे हैं अगर आंसू पहुंचते हैं, दाग अच्छे हैं यदि आंसू पहुंचते हैं, और आंसू अच्छे हैं अगर दाग धोते हैं। इस पंक्ति का अर्थ समझें। दाग अच्छे हैं अगर आंसू पहुंचते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है, माँ मुझे ध्यान नहीं दे रही। कई बच्चे होते हैं तो कुछ समयों पर किसी बच्चे को ध्यान नहीं मिलता तो बच्चा रोता है, तो माँ क्या करती है, उस बच्चे को कहती है तुम्हें किसी की नज़र न लगे, इसके लिए मैं तुम्हें काला टीका लगाती हूँ। उसके माथे पर, उसके गाल पर वो काला टीका लगाती है और बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है कि माँ मुझे इतना प्यार करती है कि मुझे किसी की नज़र न लगे। तो दाग माथे पर, गाल पर आया, लेकिन इस दाग ने क्या किया, इसने चेहरे पर मुस्कुराहट लाई। तो हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, क्या हम उनके लिए कह सकते हैं दुख अच्छे हैं? क्या हमें वो तरीका आ गया है जिसकी वजह से हम दुख और सुख को देखने का तरीका ही बदल दें? जिस तरीके से हम या तो तरफदारी करते हैं या निंदा करते हैं, किसी चीज़ की तरफदारी करते हैं, किसी चीज़ की निंदा करते हैं, ये दो तरीके ही मालूम है। इन दो के पार भी तरीका है। वो सीख कर गए तो आपका पूरा जीवन प्रेम आनंद मौन में बीत सकता है। इसलिए इन पंक्तियों को समझ रहे हैं, दाग अच्छे हैं, दुख अच्छे हैं। अगर दुख अच्छे हैं तो वे दुख दुख कहाँ रहे? हर बुराई की एक अच्छाई है, उस अच्छाई को आपने जान लिया तो बुराई बुराई कहाँ रही, वो भी अच्छाई में बदल गई। ये दृष्टिकोण, ये समझ आपके अंतर मन तक पहुँचे तो आपका जीवन पृथ्वी लक्ष्य सफल है। दाग अच्छे हैं अगर आंसू पहुंचते हैं। आंसू हमें कब आते हैं? दुख में आंसू आते हैं, चिंता में, व्याकुलता में, निराशा में, जब मन मुताबिक कुछ नहीं हो रहा हो आंसू आते हैं। ये आंसू हमें दुख दे जाते हैं या ये हमें शुद्ध करके जाते हैं, ये हमारी समझ पर निर्भर है। हम उन पर कौन सा लेबल लगाते हैं? मन जब गलत लेबल लगाता है दुख शुरू होता है। सामने वाले ने काम नहीं किया, उसको मैंने कहा फैन बंद करो और उसने नहीं किया, लापरवाह है। मन ने क्या कहा? लापरवाह है। और इंसान ने मान लिया,
कि वो लापरवाह है। उसने तुरंत तरफदारी की अपने विचार की, मैं जो सोच रहा हूं सही है, मगर कई और बातें हो सकती है, हो सकता है उसने सुना ही ना हो, हो सकता है वो कुछ और बंद करके गया हो, क्या नहीं हो सकता, वो आपकी मदद न करके भी मदद कर रहा हो। कई घटनाएं होती है ना, जब लोग हमारे मन मुताबिक नहीं करते तब हम आत्मनिर्भर बनते हैं। उन्होंने आपकी मदद की, मदद न करके उन्होंने आपकी मदद की। मन तुरंत लेबल लगाता है, दुख में डालता है, तब हमारे अंदर दुखद भावना तैयार होती है, इमोशन जिनको कहते हैं, एक इमोशन आता है बॉडी पर और हमें अच्छा नहीं लगता, दाग लगता है, भारीपन सीने पर, भारीपन लगता है, सीने में जलन, आँखों में परेशानी का तूफान, आंसुओं का तूफान क्यों है, इस शहर में हर शख्स शान से परे क्यों है, क्यों इंसान शान से परे है, यानी परेशान इंसान परे क्यों है, उसकी शानदार अभिव्यक्ति क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो दाग को दाग करके देखता है, दुख को दुख करके देखता है, उस दुख के पीछे कौन है, विचारों के पीछे कौन है, विचारों को साक्षी होकर देखने वाला कौन है, उसकी जागृति अगर हो गई तो विचार आपको परेशान करना बंद कर देंगे। जो पीछे है वो जागृत होना चाहिए। अब तक आप खुद को शरीर या विचार मन मानकर जी रहे थे, अब आपको जीने की नई राह मिल रही है, इन विचारों के पीछे बेबंद साक्षी कौन है, बेबंद यानी जो बंधा हुआ नहीं है, जो सदैव आज़ाद है, वह बेबंद साक्षी जागृत हो जाए और आप दुख को दाग को ऐसे देखें जिससे आपके शरीर पर उठने वाला इमोशन दुखद न आए, और आए भी तो भी आप उसको ऐसे देख पाएं जैसे ये आपके साथ नहीं है, आपके लिए है, आप पर नहीं है मगर आपके लिए है, आपको जगाने के लिए है, आपके लिए निमित्त है। इसको ऐसे समझें कि आप कैंची चला रहे हैं कपड़े पर, तो कैंची में अगर इमोशन है, कैंची में अगर दुखद इमोशन है, गुस्से का इमोशन है, नफरत का इमोशन है, तुलना का, डर का, घृणा का, तो फिर भी तो आप कपड़ा काटने वाले हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये मेरी कैंची में है, मुझ में नहीं है। ये इमोशन उस कैंची में है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं मगर मेरे साथ नहीं है। अगर इतना ही आपको क्लियरली दिख रहा है तो आप कपड़ा काटते वक्त अपनी एकाग्रता नहीं खोएंगे, आपकी कटिंग परफेक्ट कटिंग होगी, आपकी ड्रेस जो बनेगी परफेक्ट बनने वाली है, वरना कैची में जो इमोशन है ये मुझ में है, इस भावना के साथ आप दुखी हो जाओगे। तो कैची क्या है? हमारा शरीर,
मनो शरीर यंत्र, इसके अंदर इमोशन है, तो ये मैं अपने ऊपर मानकर दुखी होते रहता हूं या सच्चाई जानकर चलो इसके बावजूद भी ये इमोशन है, इसके बावजूद भी मैं कपड़ा काटता हूं। अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो कैची में कौन से विचार उठते, कितना मोटा कपड़ा है, कटता ही नहीं है, पता नहीं लोग क्या क्या पहनते हैं, पता नहीं कैसे लोग होते हैं, पता नहीं लोगों को सूझता कैसे ये। अब शिकायत ही शिकायत है कैची में, कपड़ा ऐसा है, इसकी जेब तो देखो खाली है, इसकी गर्दन काट दूं, तो इंसान की जो शिकायत है, हर एक तो अपने अमेस्वाय को यूज कर रहा है, हर एक अपने मनोशरीर यंत्र को यूज कर रहा है, उसको याद नहीं है वो कौन है, ईश्वर का अंश है, सेल्फ है, कौन है, तो वो खुद को कैची मान लेता है, इसलिए शिकायतों से भरा हुआ है। शिकायतों से मुक्त होना है तो अपने इमोशंस को बेबंद साक्षी होकर देखना सीखना होगा, तब जो भी धाग कपड़े पर दिखेंगे कटिंग के वक्त, आप कहेंगे दाग अच्छे हैं, आंसू पहुंचते हैं, और वे आंसू भी अच्छे हैं जो दाग धोते हैं, दाग अच्छे हैं क्योंकि आंसू पहुंचते हैं। आपके शरीर के अंदर कई चीजें गांठ बनकर बंधी हुई है, ये इमोशन पैकेट्स हैं, ब्लॉकेजेस, इनको खुलना है। जब हार्ट में ब्लॉकेजेस तैयार होते हैं तो आप क्या करते हो, दवाइयां करवाते हो, ये ब्लॉकेजेस निकलने चाहिए, तो इमोशंस के भी ब्लॉकेजेस है, इनको भी खुलने देना है, तो आंसुओं में उनको बह जाने दो। तो कुछ मनोशरीर यंत्रों के लिए आंसू आसानी से निकलते हैं, कुछ शरीरों से आंसू निकलते ही नहीं हैं, उनकी प्रोग्रामिंग हो गई है, मर्द रोता नहीं है, नहीं रोना चाहिए, जो रोता है वो कमज़ोर है, जो रोता है वो कमज़ोर है, ऐसी मान्यताओं में लोग अकड़े रहते हैं, और वो आंसू वो हिंसा से निकालते हैं। कोई ना कोई तरीका तो इंसान को चाहिए निकालने का, क्रोध करके निकालेगा, आंसुओं से निकालेगा, या कुछ रचनात्मक कार्य करके सेवा में, तो तरीका तो चाहिए हर एक को इमोशंस को रिलीज करने का, तो बेस्ट तरीके भी हैं, वर्स्ट तरीके भी हैं, जिनको तरीके मालूम हैं वो लाभ लेते हैं, जिनको तरीके नहीं मालूम हैं वे दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों पर क्रोध करके दूसरों पर अत्याचार करते हैं, तो हमें सीखना है अपने शरीर को संभालना भी। और वर्तमान में कोई इमोशन आएगा, कोई घटना होगी, कोई इमोशन आएगा, अब ये जो नया इमोशन आया है ये पुराने दबे हुए किसी इमोशन को निकालता है, ये होता है, नया जो इमोशन आता है वो अपने जैसा हमशक्ल, अपने जैसा हमशक्ल अंदर से ढूंढ निकालता है। तो आपके अंदर कितनी रिकॉर्डिंग है वो बाहर लाता है, तो आपको डबल इमोशन होता है, एक नई घटना का इमोशन और एक पुराना वो भी खुलता है, अभी डबल इमोशन में है आप, डबल ट्रैप, डबल ट्रबल। अब उस वक्त इंसान पड़ता है कमजोर, इसलिए कमजोरी दूर करनी है, कम जोर, कम का अर्थ है कम,
जोर का अर्थ है ताकत, ताकत कम पड़ती है तो ये ताकत आती है आत्मबल से, आत्मबल, आत्मविश्वास, ये आत्मबल बढ़ाना है। वरना लोगों के सवाल रहते हैं, मैं तो चिल होना चाहता था, चिल्लाने लगा, न चाहते हुए भी मैं चिल्लाया, हाथ उठाना नहीं चाहता था, न चाहते हुए भी उठाया, ये क्यों होता है? क्योंकि आत्मबल कम पड़ रहा है, चेतना उठी नहीं है और हाथ उठ गया। कभी बच्चे को डांटना पड़ता है, हाथ उठाना पड़ता है, मगर उसमें बच्चे की बेहतरी है आपको मालूम होता है तब, क्यों? चेतना ऊपर है। बच्चे को आप इंजेक्शन भी लगवाते हो, बच्चा तो उस वक्त बहुत आप पर गुस्सा होता है, ये कैसे माँ बाप मिले हैं, एक तो मैं बीमार ऊपर से सुई, एक तो मैं कमजोर और मेरी कमजोरी का फायदा लेते। बच्चा अपने हिसाब से परफेक्ट सही है, मगर आपकी चेतना हाई है। आप कहते हो अभी दर्द होने दो, इन्फेक्शन दूर होगी, वायरस मरेगा, जरूरी है, तो ये करना पड़ता है। मगर पहले चेतना को उठाना, पहले आत्मबल, और इस आत्मबल के लिए आपको अपने मनोशरीर यंत्र पर भी काम करना है। ये मंदिर है तो उसमें व्यसन डालने बंद करने हैं और धीरे धीरे उसको तैयार करना है। अपनी भावनाओं को देखना सीखना है। अपनी भावनाओं को कैसे देखें? कोई इमोशन ऊपर की तरफ जाता है, कोई नीचे की तरफ जाता है, कोई दाएं, कोई बाएं, कोई सेंटर। तो उस वक्त अगर आपने उसे देखा बेबंद साक्षी होकर, बेबंद साक्षी होकर यानी बिना अटैचमेंट, अलगाव के साथ देखना है, अलगाव, जैसे किसी और का है, ये बॉडी, ये कैची आप इस्तेमाल कर रहे, आप वो कैची नहीं हैं, कैसे देखोगे? वैसे देखने वाले हैं। तो फिर जो भावना बढ़ते जा रही थी और उस बढ़ने में आप गलत निर्णय लेने वाले थे, चिल्लाने वाले थे, उस पर रोक लग गई। चिल्लाने ही वाले थे ना, क्यों? चिल्लाने से क्या होता है? रिलीफ, रिलीफ मिलता है। गालियां देने से क्या होता है? सामने वाले को गाली दी तो क्या होता है? अच्छा लगता है, मैंने भी सुना दी, अच्छा लग रहा है। अभी टीचर ने पूछा था विद्यार्थी से कि गाली क्या होती है, तो बच्चे ने कहा गाली यानी ऐसे अशुद्ध शब्द जिनको बोलने के बाद, जिनको उच्चारण के बाद अच्छा लगता है। तो लोगों को राहत चाहिए, इमोशन को देखने की कला नहीं चाहिए, लोगों को राहत चाहिए। क्या हम चीखेंगे चिल्लाएंगे, थोड़ा रिलीफ मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है। और जिनको मौका नहीं मिलता है चीखने चिल्लाने का, वो बेचारा गुट गुट कर मरता है अंदर, बोल ही नहीं पा रहा हूं, अंदर ही अंदर दबाता है। तो आपको इनके पार तरीका सीखना है और अपना इमोशन आपको दूसरों को बताना भी आना चाहिए और खुद अपने अंदर देखना भी आना चाहिए। आप अपने इमोशन को देख भी पाओ और दूसरे को सही तरीके से बता पाओ तो आपका शरीर अनुभव पर टिकने के लिए तैयार होने लगेगा। वरना लोग इमोशन में चिलचिला के नई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते लाइफ में, फिर उनको सॉल्व करते बैठो, यानी पूरा जीवन इसी में चला जाता है।
अभी रूठे हैं, अभी झगड़ रहे, अभी मना रहे, वापस रूठ रहे, झगड़ रहे, मना रहे, यही चल रहा है। समय कब बचेगा? अब ये रूठा है, अभी वो रूठा है, परिवार में क्या चल रहा है? तो ये कला है, ये इमोशनल मैच्योरिटी है, ईक्यू कहते हैं इसको, भावनात्मक इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, EI, EQ, इसकी ट्रेनिंग बच्चों को मिलनी चाहिए स्कूल में ही। ये ट्रेनिंग मिलेगी तो लोग शरीर पर मास्टरी पाएंगे, स्वामी बनेंगे, शरीर का स्वामी बनेंगे, क्योंकि आप शरीर नहीं हो, आप स्वामी हो, आप कैची नहीं हो, आप कैची के स्वामी हो। तो इस कैची में इमोशन है, हम उसको अपना मान लेते हैं, ये गलती होती है। तो हम अपने इमोशन भी समझें, सामने वाले के भी समझें, तो हमारा व्यवहार जो होगा सही व्यवहार, योग्य व्यवहार होगा। और आपका इमोशन सामने वाला नहीं समझ पा रहा है तो क्या उसका दुख मनाते बैठोगे? आप अपने डैडी को कुछ बताते, मम्मी को कुछ बताते हैं, बहन को, भाई को, फ्रेंड को, और वो आपका इमोशन समझता ही नहीं है, आपको चिढ़ लगती, कैसे स्वार्थी मित्र मेरे इमोशन को समझते ही नहीं है। जरूरी नहीं सभी आपके इमोशन समझेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। जैसे कि लड़का घर आया रात को, माँ ने दरवाज़ा खोला, इतनी लेट क्यों आए? लड़के ने कहा, मैं इमोशनल फिल्म देखने गया था, इमोशनल फिल्म देखने गया था, फिल्म का नाम था प्यारी माँ, प्यारी माँ। तो माँ ने कहा, ठीक है, मैं समझ गई, अब अंदर जाकर जुल्मी बाप देखो। अभी कोई समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा है। तो आपके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे, कुछ लोग बोलेंगे, मैं समझता हूं तुम किस दौर से गुजर रहे हो, एम्पथी, सिंपथी। कुछ लोग आपकी भावनाओं को समझते, आपको गले लगाते, आप रोते हो वो आपको गले लगाते, दूसरा बोलते है रोने दो, पड़े रहने दो। तो ये दोनों तरह के लोग होंगे, मगर क्या हम इसी में अटके रहेंगे कि कोई मुझे समझे? आपको समझना है, पहले मित्र आप हो, पहले आपको स्वयं से प्रेम करना सीखना पड़ेगा, स्वयं को स्वीकार करना सीखना पड़ेगा, और अनकंडीशनल लव देना सीखना होगा, बेशर्त प्रेम, जैसा भी शरीर मिला है, जैसा भी मैं हूँ, शरीर जैसा भी है, मुझे वो स्वीकार है। प्रार्थना भी यही करोगे ना, मुझे मुझे माफ करने में मदद करो, मुझे मुझे साफ करने में मदद करो, मुझे साफ करने में, मैं स्वयं को भी माफ कर पाऊँ, क्योंकि कुछ घटनाएं हुई होती है, गलतियाँ हुई होती हैं, अपराध बोध होता है अंदर, शर्म होती है अंदर, कुछ ऐसे कार्य हो गए होते हैं अंदर, शर्म की गांठें हैं, तो रिलीज करना सीखना है। गंगा में लोग नहाने जाते हैं तो ये भावना रखकर कि मैं ये सब छोड़कर आऊं, इसलिए प्रथाएं बनाई गई है तीर्थ स्थानों पर जाने की, खाली होकर आने की, मगर लोग खाली होकर नहीं आ रहे, क्यों? असली बात भूल गए कि हमें सब खाली होकर जाना है। जब जब इमोशन आया कोई, उसको बेबंद साक्षी होकर देखेंगे तो नया भी जाएगा, कुछ पुराने भी लेकर जाएगा, नया तो जाएगा ही जाएगा, कुछ पुराने भी उखाड़ कर लेकर जाएगा, तो कितना अच्छा हो गया। दाग अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं, दुख अच्छे हैं, यानी आपकी उम्र बढ़ने के साथ आप प्योर प्योर होते जा रहे हो। और ये ज्ञान नहीं है तो उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है?
और अकड़ बढ़ते जाती है और अशुद्ध होते जाते हैं और लोगों के प्रति नफरत बढ़ती जाती है। मुझे मालूम है लोग ऐसे ही हैं, ये सुधरने वाले नहीं हैं कभी, ये सब ऐसे ही चलने वाला है, यही वर्णन करते रहते, यही वजूद में आता है, नियम है, जो वर्णन करोगे वो वजूद में आएगा, जो चीज़ को दोहराते रहोगे वही आपके जीवन में आने वाला है। लोग बुरे हैं बोलते रहो, कुदरत तथास्तु तथास्तु कहते रहती है। अच्छा लोग बुरे हैं क्या? तथास्तु, यानी तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे, बाकी लोगों को नहीं, तुम्हें तो डेफिनेटली ऐसे लोग मिलने वाले हैं। तो आप गंगा नहा रहे हैं, यानी खुद को शुद्ध कर रहे हैं, उम्र के साथ समय के साथ प्योर होते जा रहे हैं। और ये अच्छा है कि लोग कम उम्र में ही ये बातें सीख रहे हैं, ताकि उनके शरीर के द्वारा ईश्वर की अभिव्यक्ति उच्चतम हो। अब बीच में बाधा है वृत्तियां, ये वृत्तियां, ये पैटर्न, ये इमोशन, इनको रिलीज करने की कला भी आनी चाहिए। इस कला को सीखने के लिए आप कम जोर को ज्यादा जोर बना रहे हैं, कमजोर को ज्यादा जोर, यानी जोरदार कन्विक्शन, जोरदार कन्विक्शन, कन्विक्शन यानी दृढ़ता, दृढ़ता है, आत्मविश्वास, संकल्प शक्ति, भावना, इंटेंशन कि अब मुझे सत्य की राह पर चलना है, नो मैटर व्हाट, क्या भी हो जाए, क्या भी डीएस आए, डीएस यानी दिखावटी सत्य, दिखावटी सत्य ने बाहर से लगता है कि ये बुरा हो गया, पर्सन इंटरव्यू में फेल हो गया, बुरा हो गया, मगर वो खुद को कहे ये हरी इच्छा है, बुरा हो गया ना, ये हरी इच्छा है। अभी हरी इच्छा पार्ट टू भी आएगी, पर्सन इंटरव्यू में फेल हो गया, कुछ समय के बाद मालूम पड़ गया वो कंपनी बंद हो गई, जरूरी नहीं हर कंपनी बंद होगी, ये एग्जाम्पल था, यानी उसको कुछ ऐसे बाद में मालूम पड़ता है, अरे वो अच्छा ही हो गया एक्चुअली, सालों के बाद तो लोग कहते हैं अरे अच्छा हो गया वो, मगर उस वक्त बहुत परेशानी, बहुत दुख, अरे मैं फेल हो गया, अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अरे अभी हरी इच्छा पार्ट टू को आने दो, अभी गिर गए ना तुम, ये हरी इच्छा पार्ट वन है, हरी इच्छा पार्ट टू को आने दो। तो आप इमोशन को देखने की कला सीख जाओगे, दृढ़ता आएगी, कमजोरी दूर होगी। लोग सवाल पूछते रहते, मुझे गुस्सा है मैं क्या करूं, गुस्सा आता है मैं क्या करूं, डर आता है क्या करूं, उस वक्त तुम नहीं कर सकते, ये पहले ही काम करना है, पहले ही तैयारी करनी है, तब जाकर आप उस घड़ी संभाल पाओगे। तो अपनी ताकत बढ़ाओ, मनोशरीर यंत्र की ताकत बढ़ाओ, आत्म बल बढ़ाओ, तो फिर कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। जब ऐसे क्षण आएंगे जब आपके ऊपर हावी होंगे इमोशन, तब सूझेगा नहीं कुछ आपको, तो ये अभ्यास किया रहेगा, तब आप श्वास पर ध्यान देंगे, पहले श्वास अंदर गई बाहर आई थोड़ी देर, फिर थोड़ा बल महसूस होगा। ये श्वास बंद नहीं करना, लोगों से ये गलती होती है, जब अचानक कोई इमोशन का हमला होता है उनकी श्वास जैसे रुक जाती है। कोई इंसान है उसको आधी रात को फोन आया, क्या होता है पता नहीं किसका फोन है, क्यों, एक बार हुआ था कि आधी रात को फोन आया था, कोई गुजर गया था, कोई हॉस्पिटल में गया था, उस दिन के बाद देखो जब भी फोन की घंटी बजती है, अरे ये टाइम पर क्या हुआ रे, श्वास ही बंद होने लगती है, वो जब तक न्यूज सुनता नहीं तब तक श्वास बंद है उसकी, हाँ बोलो क्या, अरे श्वास लो पहले, श्वास लो, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फोन पर बात करने से पहले दो चार श्वास लो लंबी, क्यों श्वास नहीं ली ना तो गांठ बंधती है, श्वास रोक कर जब आप बैड न्यूज सुनते हो, श्वास रोक कर जब आप बैड न्यूज सुनते हो उसकी गांठ बंधती है अंदर,
तो ये ज्ञान मिलना चाहिए सभी को कि कैसे हमें बैड न्यूज़ सुनना है, और सुनना भी है तो बेबंद साक्षी होकर, सुनना भी है तो गलत लेबल न लगाकर। दाग अच्छे हैं, दुख अच्छे हैं, ये हरी इच्छा पार्ट वन है। अभी हरी इच्छा पार्ट टू भी है, खुद को बोल पाओ तब बैड न्यूज़ सुनकर। ये हरी इच्छा पार्ट वन है, तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा। जब आप ये बोल पाओगे तो आप इमोशन को रिलीज करोगे, स्वीकार करोगे, रिलीज करोगे। सर श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं। तेज ज्ञान सर श्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। इस विषय को और अधिक विस्तार से समझने के लिए आप इन पुस्तकों का भी लाभ ले सकते हैं। इस संदेश के बारे में अपने विचार अभिप्राय जरूर शेयर करें, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mail@tejgyan.com।